मतलब भगवान श्री राम पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट है, हिंदू धर्म पे सिर्फ भाजपा का पेटेंट है, कोई मंदिर में नहीं जा सकता। कानून बनवा दीजिए हिंदुस्तान में कि सिर्फ भाजपा वाले, भाजपा के नेता वही मंदिर में जा सकते हैं, कोई दूसरी पार्टी के लोग नहीं जा सकते। हम क्या कर रहे हैं प्रभु श्री राम के मंदिर में जाके, हनुमानगढ़ी में बजरंग बली का दर्शन करके? हम ये कह रहे हैं कि रामचरित मानस की चौपाई है, सब नर करें ही परस्पर प्रीति, कि हम भगवान श्री राम का दर्शन करने के बाद जब तिरंगा हाथों में लेके निकलते हैं तो अयोध्या की सड़कों पे नारे लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। वो कहते हैं मारो काटो लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। ये हमारी राजनीति का हिस्सा है। तो इसलिए हम भगवान श्री राम का दर्शन करने जाएं तो उसको सांप्रदायिकता से जोड़ के देखना ठीक नहीं है। फिर तो सबसे बड़े सांप्रदायिक गांधी थे आपके हिसाब से, क्योंकि गांधी तो प्रभु श्री राम की बात करते थे, गांधी रामराज्य की बात करते थे, गांधी जी तो सर्वधर्म प्रार्थना सभा कराते थे।